गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप करोगे एक्सरसाइज 1.8। अब 1.8 का फर्स्ट पार्ट करोगे पहले, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में बोला गया है राइट इन द एक्सपेंडेड नोटेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिस्टम, कि आपने जो आपके पास नंबर दिया गया है ना, आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप क्वेश्चन चेकआउट कर लो। इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 मैं आपको करवा दूँगी और 5 आप लोग खुद करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इन क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है। आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ये न्यूमरल्स दिया गया है, आपने इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में कैसे लिखना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, ये पहले इसकी प्लेसेस चेक करो। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये नंबर कहाँ तक गया? 10 करोड़ तक गया, ठीक है। कहाँ तक गया ये नंबर? 10 करोड़ तक गया, ठीक है। ये नंबर कहाँ तक गया? 10 करोड़ तक गया। अब देखो आपने इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में कैसे लिखना है। अब इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पहले हमारे पास कौन सा डिजिट है? वैसे तो यहाँ से चलते हैं ना वंस टेंस, लेकिन अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ से चलोगे, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे 8, और 8 के आगे कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने डिजिट हैं? 8। तो आपने इसके साथ कितनी ज़ीरो लगा देनी है? 8 ज़ीरो लगा देनी। अब आपने क्या किया, इसमें 8 ज़ीरो लगा दी, ठीक है। अब आपने 8 लिख लिया, ये 8 लिख लिया मतलब कि आप इसको हटा दो। अब आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5 से, मतलब 8 हो गया ना। अब 8 के बाद आप 5 लिखोगे, 5 नंबर लिखोगे, ठीक है। जब आप 5 लिखोगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे प्लस लगा देना है, ठीक है। और फिर आपने ये 5 लिखना है, और 5 के आगे कितने डिजिट हैं? आपने उतनी ज़ीरो लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे 5 के आगे कितने डिजिट थे? 7 डिजिट थे, तो यहाँ पे लग गई 7 ज़ीरो। अब आएगा प्लस, और आगे क्या है आपके पास? 3। यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, और 3 के आगे कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 ज़ीरो लगा दोगे, ठीक है। 6 ज़ीरो लगा दिया आपने, फिर आप प्लस लगाओगे, ठीक है। फिर प्लस लगाओगे, अब यहाँ पे 1 और 3 है, फिर आप यहाँ पे 3 लिखोगे, ठीक है। अब इस 3 के आगे जितने डिजिट है आपने उतनी ज़ीरो लगा दोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ज़ीरो, 5 ज़ीरो लगा दी। फिर आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, आगे कौन सा डिजिट है? 4। ऐसे आपने 4 लिखा, फिर 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4। आपने यहाँ पे 4 ज़ीरो लगा देनी है, ठीक है। प्लस आगे आपके पास 4 के बाद आपके पास क्या है? 8। आपने 8 लिखा, 8 के आगे 3 डिजिट हैं, 3 ज़ीरो लगा दी। प्लस 9 के आगे कितने डिजिट हैं? 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएंगी। प्लस 9 के आगे कितना है आपके पास? 2, 2 के आगे कितने डिजिट हैं? 1, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो लग गई। और अब 2 के आगे क्या बचा आपके पास? 5। तो ऐसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ऐसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने उसको ऐसे एक्सपेंड करना है, लेकिन प्लस ज़रूर लगाना है बीच में, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास यही नंबर आना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म से न्यूमरल बनाना हो तो, मतलब जब आप प्लस करोगे तो आपके पास यही नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे करोगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने ऐसे एक्सपेंड करना है, पहले आपने 8 लिखा, 8 के आगे कितने डिजिट हैं? उतनी ज़ीरो लगा दी। फिर आपने प्लस 2 लिखा, प्लस 2 के आगे कितने डिजिट हैं? आपने उतनी ज़ीरो लगा दी यहाँ पे। फिर प्लस 2 के आगे क्या है हमारे पास? 5। प्लस 5 लिखा, और आगे जितने डिजिट हैं उतनी आपने ज़ीरो लगा दी। प्लस आपने यहाँ पे 3 लिखा, और 3 के आगे जितने डिजिट हैं उतनी आपने ज़ीरो लगा दी। ऐसे आपने 8 के साथ किया, 2 के साथ किया, और 0, 1 के साथ किया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। तो जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो आपने ऐसे करने हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके दिए गए हैं, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपने खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लग गया आपको पता, मतलब आपको ये 2 क्वेश्चन से थोड़ा पता चल गया होगा कि कैसे एक्सपेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।